हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट्स HTML वेब पेजेस, कैसे हाउ टू यूज क्लास एट्रीब्यूट्स इन आवर HTML वेब पेज ड्यूरिंग द मेक ए वेबसाइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस एंड मेक ए वेब पेज। सो लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी आज जो हम बात करेंगे, यूज ऑफ क्लास की बात करेंगे। क्या करेंगे? क्लास के बारे में हमें आज डिस्कस करना है कि क्लास क्या होता है। तो क्लास के बारे में कैसे हम काम करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, तो हमेशा से पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ आपको कि CSS और HTML जब हम वेब पेज बनाते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, दोनों के साथ हम लोग वर्क करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा क्लास। तो क्लास में कैसे यूज करना हमको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पे हेडिंग लेते हैं और मैं आपको एकदम लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कैसे क्या होगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 10+2। फिर मैं एक हेडिंग लेता हूं और यहां मैं लिख देता हूं ओनली 10th, और यहां भी मैं लिख देता हूं इसको 11th, और फिर एक मैं लूंगा यहां पे लिख देता हूं 12। ठीक है, इसको अगर हम लोग, चलो ठीक है ऐसे रखते, तो आपका ये चार हेडिंग आपका बन गया है क्योंकि आपने हेडिंग टैग लगाया है। इस हेडिंग को ये लगा दिया। अब हमको क्लास यूज करना है, क्या करें? तो क्लास के लिए ये जरूरी है कि क्लास क्या है, एक ऐसी एट्रीब्यूट्स है CSS का कि आपको इसको डिफाइन करना होगा। तो जब आप इसको डिफाइन करेंगे तभी होगा। तो क्लास का यूज करने के लिए हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो आपका इंटरनल और एक यूज करते हैं एक्सटर्नल। तो आज मैं बताऊंगा आपको इंटरनल, यहीं पे इनलाइन जिसे आप बोलते हो, इनलाइन इंटरनल भी बोला जाता है उसको, तो यहाँ पे वो चीज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ पे स्टाइल टैग स्टार्ट करेंगे और फिर स्टाइल टैग को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ओके फाइन। जब हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे, अब इसके अंदर हम क्या कर, कभी भी क्लास प्रॉपर्टी सॉरी क्लास एट्रीब्यूट्स का यूज करने से पहले हम उसको डॉट से लेते हैं। तो हमने डॉट लिख दिया और डॉट लिखने के बाद से इसको मैंने कोई भी इसको नाम असाइन करते हैं, इसका नाम असाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं HTML ही लिख देता हूँ मैं HTML, देखे। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ कोड्स राइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं टोमेटो दे देता हूँ, टोमेटो जो घर पे आप वेजिटेबल खाते हो, टोमेटो दे दिया। और फिर उसके बाद से मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल, चारों तरफ से मुझे मार्जिन दे दे। और उसके बाद से मैं कलर दे देता हूँ, ये कलर भी हमारा क्या कर दे, वाइट कर दे। ठीक है, अभी देखिए, अभी जितना भी हम कोड लिख रहे थे वो सब हम कहाँ लिख रहे थे, यहाँ लिख रहे थे। अब हमको डियर स्टूडेंट सब पे हमको अप्लाई करना है, तो हमको क्या करना है, तो हमने एक जो है HTML इसका बनाया और फिर अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सीधा। अभी मैं आपको पहले एक बार रिजल्ट दिखा दूँ क्या होता है, उसके बाद रिजल्ट शो कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हो 10+2, 10th, 11, 12th, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ओके फाइन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास। ठीक है, क्लास लिखने के बाद से इक्वल टू का सिंबल और फिर इसको कोटेशन में हम लिखते हैं, क्या लिखना है हमको,
यहाँ पे जो हमने नाम लिखा है, साइन किया इसका, ये देखो डॉट के साथ एचटीएमएल लिखा है ना, तो ये चीज हमको यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है? इसके अंदर एचटीएमएल, अर्थात एचटीएमएल में, इट मीन्स एचटीएमएल में हमने जो कुछ भी लिखा है वह एच वन पे अप्लाई हो जाए। ये देखो स्टाइल में हमने जो कुछ भी लिखा है, स्टाइल में हमने क्या लिखा है, स्टाइल में हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जहां भी लिखा जाएगा उसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो होगा, उसकी पैडिंग 10 पिक्सल होगी, कलर वाइट होगा। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये अप्लाई होता है कि नहीं। तो अब बारी है रिजल्ट शो करने की। अभी डियर स्टूडेंट्स आप देखो ये रिजल्ट शो हो चुका है, हमने क्या लिखा यहाँ पे, रिजल्ट शो हो चुका है। ये देखो हमने बाकी तो नहीं लगाया यहाँ पे स्टाइल, लेकिन हमने एक क्लास यूज किया। तो आपने देखा कि क्लास में क्या करते हैं, अभी इसके एडवांटेज क्या है। सपोज करो कि ये चीज मैंने एक जगह लगाया और फिर हमको जितनी जगह यूज करना होगा फिर हमको बार बार कोड राइट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप सपोज करो यहां पे मैं लिखता हूं, अभी इसको मैं कॉपी करता हूं, ये देखो इसको मैं कॉपी करता हूं और मैं यहां पे पेस्ट कर दिया, यहां पे भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया और फाइनली इसको यहां भी पेस्ट कर दिया। ओके, अब आप देखोगे ये देखो ये हर जगह आपको शो होने लगा ना, चारों तरफ देखो ये शो होने लगा। अब क्या करना, एक बार तो हमने यहाँ पे इसको क्लास यूज कर लिया, अब जो कुछ भी चेंजिंग करना हो यहाँ पे वो हम कर सकते हैं। जैसे अभी एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये टेक्स्ट कहाँ पे है, ये टेक्स्ट तो यहाँ पे सेंटर में है, इस टेक्स्ट को हमको यहाँ लाना है, तो हम यहीं पे कोड लिखेंगे, एक हम लिख देंगे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फाइन ओके ये देखो सेंटर में आ गया, ये सब एक साथ सेंटर में आ गया। अभी यहीं पे मुझे लिख देना है, फिर इसको मैं सेंटर की जगह पे मैं लिख दूं राइट, ये देखो मैंने लिख दिया राइट। अब जब राइट लिखने के बाद से फिर मैं रिजल्ट शो करता हूं आपके सामने, रिफ्रेश करूंगा, ये देखो ये सब राइट आ गया। यही मैं, ये जो व्हाइट कलर है मैं चाहता हूं कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो ये व्हाइट लिखा हुआ है तो इस व्हाइट को आप कलर चेंज कर दो, तो यहां लिख दो आप ब्लैक, ओके फाइन। नाउ सो द रिजल्ट, ओके आप देख रहे हैं ये ब्लैक यहां पे शो हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस चीज को देखा, क्लास का यूज करके बहुत आसानी से हम अपना काम और भी इजी कर सकते हैं, बहुत ही आसान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो कुछ भी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे वर्क होगा। कलर का है, कलर बैकग्राउंड कलर है, नहीं चाहिए मुझे वो, तो हमें दूसरा कलर चाहिए, तो हम दूसरा कलर यहाँ पे का नाम लिख देंगे और जैसे इस कलर का नाम लिखेंगे हमारा ये चेंज हो जाएगा, ये देखो कलर हमारा चेंज हो गया। तो जो एक साथ सारा हो रहा है, एक साथ सारा हो रहा है, एक बार हमने लिखा है और एक बार हम चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे क्लास के एडवांटेज होते हैं। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए और ये ध्यान रखिएगा, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, हमने सीखा था क्या, क्लास एट्रीब्यूट्स, क्या सीखा था, क्लास एट्रीब्यूट्स, हाउ टू यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट्स फॉर एचटीएमएल वेब पेजेज। ठीक है, और ये काफ़ी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, सो कीप इन माइंड एंड डू प्रैक्टिस। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी देखो क्योंकि एक केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं ठीक है। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, तो आज हमने क्लास में कैसे यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें सीखा। अगर आपको इसी में अगर कुछ और भी चेंज करना हो, सपोज करो कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे एक और यूज कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चंस भी आपका आज जो है, और यहाँ पे HTML के बजाय हम लिख देते हैं HTM, ठीक है, और यहाँ इस कलर के बजाय
मैं लिख देता हूं टोमेटो। ठीक है, बाकी वही होगा, ये राइट के बजाय मैं इसको लिख देता हूं सेंटर। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे एल हटा देता हूं क्योंकि एच टी एम मैंने साइन किया, और यहां भी मैं एल हटा देता हूं। अब इसका जब मैं रिजल्ट आपको शो करूंगा तो आप देखेंगे, ये देखिए ये अलग अलग हो गया क्योंकि अलग अलग क्लास मैंने यूज किया है। पहले क्लास में हमने इस तरह का स्टाइल यूज किया है कि हमको ऐसा चाहिए, दूसरे तरह का क्लास जब दूसरे क्लास को मैंने क्रिएट किया तो उस क्लास में हमको इस तरह का कोड चाहिए, तो ये हमने ऐसे शो किया। ओके, तो आप देख पा रहे हो अलग अलग, तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया। तो आप एक से अधिक क्लास भी यूज कर सकते हैं, और आपको जिस तरह का वर्क बनाना है, जिस तरह का वेब पेज बनाना चाहते हो उस तरह का वर्क बनाओ। और देखो, काम करते समय अगर आप काम कर रहे हो, सीख रहे हो, तो प्लीज़ मुझे मेल भी करना, और मेल करने के बाद से आप कुछ प्रोजेक्ट में दूंगा, उस प्रोजेक्ट को करके दिखाना, ठीक है, ताकि मैं मुझे लग सके कि हाँ मेरा वीडियो बनाना और आप लोगों को सिखाना कुछ कामयाब हुआ है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे आपके साथ, तब तक आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए एट्रीब्यूट्स के साथ डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर लर्निंग।